नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एटीजेड। चरखारी तहसील में सपाइयों का हुआ एक दिवसीय प्रदर्शन। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी चरखारी के तमाम कार्यकर्ताओं ने चरखारी तहसील प्रांगण पर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन भाजपा सरकार में फैली अनियमितता, भ्रष्टाचार और सरकारी उत्पीड़न में वृद्धि एवं बेहाल किसान तथा बेरोजगारी और ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्थाओं को लेकर किया गया। सपा के पूर्व चरखारी विधायक कप्तान सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी राकेश कुमार को सौंपा और जमकर नारेबाजी करते हुए मौजूदा सरकार के क्रियाकलापों का जमकर विरोध किया। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि आज भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। श्रमिकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है। पूरे प्रदेश में अराजकता फैली हुई है। पुलिस गुंडागर्दी करने पर आतुर हो गई है। आम जनता का इस सरकार में शोषण किया जा रहा है। इस दौरान पूर्व विधायक कप्तान सिंह राजपूत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख करण सिंह राजपूत, राजा जयराज सिंह, जुदेव नगर अध्यक्ष मनोज कुशवाहा, हाजी ताजुद्दीन, जितेंद्र यादव, अंशुल यादव, मुस्तफा खान, सद्दाम हुसैन, वसीम अहमद, बीरेंद्र यादव के साथ तमाम समाजवादी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाज एटीजेड के लिए महोबा से मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। देश को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया तहसील प्रांगण में। जो प्रदेश सरकार की नीतियां हैं योगी सरकार की, तो आप देख रहे हैं कि आज बलात्कार, हत्याएं, लूट और किसान आत्महत्याएं कर रहा है। प्रदेश में आए दिन बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है। अभी कबरई में एक ब्राह्मण की हत्या हुई, उस पर हम चाहते हैं कि न्यायपूर्ण जाँच हो, CBI जाँच हो और जो दोषी हों उनको गिरफ्तार किया जाए और जो बेरोजगार लोग हैं उनको जो इन्होंने वादा किया था वो भूल चुके हैं। रोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, इन्होंने सब छीन लिया है। आज इन्होंने किसान विरोध में भी अध्यादेश लाया है, वो भी किसान विरोधी है। तो हम पूरा किसान, व्यापारी, छात्र सभी इस सरकार से त्रस्त आ चुके हैं। इसलिए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर आज SDM चरखारी को ज्ञापन देने का काम किया है। जयराज सिंह जुदेव, सर किस वजह से आज तहसील में धरना प्रदर्शन किया गया, क्या उद्देश्य को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो ज्ञापन दिया है, क्या उद्देश्य रहा है इसका? जी, अपना समाजवादी पार्टी का उद्देश्य ये रहा कि जो बेरोजगारी छा रहा है देश में और जो इंद्रकांत त्रिपाठी जी जिनका हत्या हो गया जी SP द्वारा, उसके विरोध में जी, और जो एग्रीकल्चर बिल जो पास किया गया है जिसमें किसान विरोधी का जो उसमें विरोधी के हित में है, किसान हित में नहीं है ये, तो उसके विषय में हम लोगों ने जो है आज ज्ञापन दिया SDM साहब को। और सरकार की जैसे लगातार हत्याएं होती चली जा रही हैं, इसमें फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए कुछ कदम उठा रही है? जी, हम लोगों ने जो है ज्ञापन में CBI की इंक्वायरी मांगा है। SP द्वारा जो हत्या किया गया इंद्रकांत त्रिपाठी जी का, और उसमें जो है हम लोगों ने बोला कि जिसमें काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी शामिल है, तो अगर जब तक CBI इंक्वायरी नहीं होगा तो जो दोषी है उनको जो है दंड नहीं मिलेगा।